जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम आप आपस में क्या खुसर फुसर कर रही हैं? मुझे सब सुनाई दे रहा है। आप यही कह रही है ना कि बानी वाली आरानू की बड़ी बहन देखे तो अपनी बहन के लिए क्या तीज के गिफ्ट्स लाई हैं। मैं मानती हूँ कि हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। ये देखिए, आधा किलो बर्फी आई है, तो क्या हुआ अगर ये घटिया है? Yeah, I need to talk to you. उस दिन मैंने तुम्हें रहने की इजाजत इसलिए दी क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। आज मैं पुष्कर को यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम उससे बात करो। प्लीज मिस्टर वालिया, मैं आपकी बात समझती हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। रणवीर बेटा कहाँ हो? पार्टी चल रही है, तुम्हारा ही पता नहीं। माँ, मैं वकील के ऑफिस जा रहा हूँ, वहां से वो तमाम पेपर्स उठाने हैं जो हमारी तकदीर बदल देंगे। वो घर, तमाम फैक्ट्रियां और जो कुछ भी हमारे पूर्वी मामा जी के नाम पर वो हमारा। मैं पार्टी में आकर ये खुद कभी सबको सुनाने वाला हूँ। कल तक जो कुछ भी होना वो कल से नहीं होगा। बस थोड़ी देर और मेरा पिता रणवीर यहाँ आ जाए, उसके बाद ये घर मेरी शर्तों पर चलेगा। सबको धक्के देकर निकालूंगी इस घर से। अरे जय भैया तक को मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पर रहना होगा इसी घर में। वाणी दीक्षित, अब तुम अपनी सारी जिंदगी इस वालिया मैंशन में पानी रख सकोगी। और वैसे मैं तुम्हारी इन दोनों बहनों को भी नहीं बख्शूंगी क्योंकि तुम तीनों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। Have some music now, and everybody on a dance floor, please. अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है। Yeah.
कहो प्यार में दीवानों जैसा हाल है। तुम दोनों के बीच जो भी झगड़ा था, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सब सॉर्ट आउट हो गई है और तुम पुष्कर के साथ वापस जा रही हो। तुम्हारे इस घर में आने से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, बहुत लोगों की ताने सुन रही हूँ। पुष्कर से शादी करने का फैसला तो तुम्हारा ही था ना, तो अब उस फैसले से क्यों भाग रही हो तुम? स्वामी, मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि वो फैसला एक गलत फैसला था। पुष्कर से प्यार करना थी। तो इसका मतलब है तुम उसके साथ वापस नहीं जा रहे, और जो कुछ भी मैंने देखा वो सब एक नाटक था। हाँ, तुम्हारी तीज सेलिब्रेशंस के बाद हम सबको सच बता देंगे कि हम कभी एक दूसरे के पास वापस नहीं जाएंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो पिया? कैसी लड़की हो तुम? तुमने तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी बर्बादी तुम्हें दिख रही है, और मैंने उस घर में क्या क्या झेला ये नहीं दिख रहा है तुम्हें। अपने दिल में जगह दी, आत्मा में जगह दी, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया मैंने, भाग गई मैं उसी से शादी करने, और उसने क्या किया मेरे साथ? हाथ उठाया उसने मुझ पर रानू, मुझे जोर से हिला के घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मैं मिस्टर वालिया के ऑफिस में काम कर रही थी। क्या गलत किया मैं? क्या मुझे कोई हक नहीं है अपना फ्यूचर प्लान करने के लिए? अरे, उसे बच्चा चाहिए था ना रानू, मैं तो उसे बच्चा भी दे दी थी। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। उसी की वजह से मैंने ये अपोषण करा। बनना था तो पति क्यों चुना अपने लिए? तुम्हारे एक कदम से पता है कितनी जिंदगी बर्बाद हो गई है सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। अगर गलती की है तो उसका सजा तुम खुद भुगतो। लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मैं यहाँ तुम उसी घर में हो जिस घर का वास्ता पानी भी, और तुम उनकी शादी के बारे में सोचने के बजाय अपनी शादी तोड़ दी। तुम्हें पता है दीदी को अभी भी तुम्हारी शादी की परवाह अपनी नहीं। जानो, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक गलती की है, उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। उस एक गलती की वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद। तुम्हारी यही गलती है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, अपनी जिंदगी के बारे में। अगर तुम पुष्कर के साथ नहीं भागती उस दिन और उसके वाले से शादी कर लेती, आज दीदी की शादी पुष्कर से होती। दीदी कितना प्यार करती थी पुष्कर से। चाहिए जो सॉफ्ट हो, समझदार हो, एक अच्छा इंसान हो, और चाहे कितने भी लोगों के बीच हो, जब मेरे साथ हो तो सिर्फ मेरे साथ हो। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है।
No, this is not possible. Excuse me, ladies and gentlemen, family and friends. Dance floor अभी empty है, लेकिन ये party अभी खत्म नहीं हुई। और ये party तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इस घर के लड़के perform ना करें। हाँ। Come on, guys, आज इन लड़के को दिखा दें कि इनके इशारों पे नाचने के अलावा हमें अलग से भी नाचना है। जरा रख, हम नाचेंगे जरूर, लेकिन आपको हमारे साथ नाचना है। No problem, मैं तैयार हूँ। लेकिन एक मैं तब नाचूंगा जब पुष्कर भी हमारे साथ नाचे। पुष्कर नहीं अंकल, not me, please excuse me। क्या फिर देखते लाइट्स। पिंजरे में बंद करके ले गई चको चको पसंद करके सोनी सोनी मीठी बातें जंद करके किस्मत अपनी बुलंद करके सच क्या है जरा जान ले उस चेहरे को पहचान ले उनकी गलियन में नाचा किसी और का दावा हो चुका है। जिस चीज का भी मिस्टर वालिया के साथ वास्ता है वह उनकी नहीं। ये घर अब मिस्टर वालिया का नहीं किसी और का हो चुका है। मिस्टर वालिया की जितनी भी संपत्ति है जो भी प्रॉपर्टी है जितना भी बिजनेस आज तक उन्होंने जितना भी कमाया उनके सारे दुनिया में जो भी चीज मिस्टर वालिया की उस जायदाद पर उस संपत्ति पर 50% का क्लेम किया जा चुका है। ये दावा किया है बानी वालिया ने। कोर्ट का दरवाजा खटखटा के कोर्ट से ऑर्डर हासिल किए कि उस
उसे मिस्टर वालिया की प्रॉपर्टी में से 50% एलिमनी में चाहिए। आज मिस्टर वालिया के दस्तखत की अहमियत है। रामायण में उसकी सबसे बड़ी गलत ऐसा सोचना तो दूर, मैं कभी पूछ भी नहीं सकता उससे कि उसने ऐसा किया कि नहीं। नहीं कर सकती वो ऐसा। अगर वो एक हिस्सा मांगेगी तो मैं दो दूंगा। और उसे मांगने की क्या जरूरत, मेरा सब कुछ उसका है, मैं जानता वो नहीं कर सकता। नहीं मामा जी, आप कुछ नहीं जानते। आप नहीं जानते कि औरत दौलत के खातिर किस हद तक गिर सकती है। You get out of my house. Get out of my house. Get out. Mr. Walia. संदीप सच कह रहे हैं, मैं आपसे डिवोर्स कर आलिनी के साथ अपना पति खो गया। उस रिश्ते को तोड़ना पड़ेगा। मैं आपको डिवोर्स करूंगी। आपकी प्रॉपर्टी का 50%